मशीन काम कर रही है चीरो, हाइपर ट्रांसलेटर ने हमारी बंदरों की भाषा को पढ़ लिया है, अब इंसान इसे आसानी से समझ सकेंगे। क्या बात है, आखिर अब शुगाजुंग शहर के लोग आप लोगों की भाषा समझ पाएंगे। तो आओ वहाँ चले। असल में बात ये है ऑटो कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ओहो, तो ये बात है, तुम उसमें अपने नए कारनामों की शान बढ़ाओगे, है ना? तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए है स्पार्क्स? हाँ, लोगों से कहो कि हमें केले पसंद नहीं। हम लोगों को गिब्सन के काम से सीख लेनी चाहिए। आगे बताओ। शुक्रिया अंटोनी। हाइपर ट्रांसलेटर ब्रॉडकास्ट शुरू हो रहा है। सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स का साइंस ऑफिसर। वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा शहर कई दिनों से एक शैतानी ताकत के कब्जे में है। अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को दुश्मन के गुप्त राज के बारे में बता दिया जाए। अब आपको स्केलेटन किंग के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी प्राइमेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट मंकी जाग उठे और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगाजुंग शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। स्केलेटन की ओर से सबसे बड़ा खतरा है लेवल 1 मॉन्स्टर्स का हमला। ये मॉन्स्टर्स इस समय शहर में ही हैं और इनका एक ही लक्ष्य है, हर तरफ तबाही मचाना। शुगाजुंग शहर की सड़कें भले ही शांत नजर आएं, पर सावधान रहिए, लेवल 1 का हमला कभी भी हो सकता है। ये भयानक मॉन्स्टर्स रेंगते हुए बाहर आएंगे और बुरी तरह तबाही मचाएंगे। कितनी गंदी बदबू आ रही है। शुगाजुंग शहर के समुद्री तट भले ही सुरक्षित नजर आए, पर समुद्र से निकलने वाले मॉन्स्टर्स ऐसा कहर बरसाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। गर्ल्स, मुझे इनसे सख्त नफरत है। अपनी नजर आसमान पर भी रखना, क्योंकि लेवल 1 के सबसे शैतानी मॉन्स्टर्स आसमान से आएंगे और अपने साथ लाएंगे घोर तबाही की बरसात। सबको खतरा केवल लेवल 1 मॉन्स्टर से ही नहीं है। लेवल 2 का हमला करेंगे हमारे सबसे बड़े दुश्मन, और इनके हमले बहुत परेशान कर देने वाले होंगे। जरा इस ना समझ की हरकतें तो देखिए। एलिवेटर मॉन्स्टर। लॉर्ड स्क्रैमर्टन, मैकारेल का ग्रैंड अर्थ।
तुमने इंसानों वाले सारे हिस्से बदलवा दिए? नहीं, उन्हें बेहतर बना लिया। क्लागी के फास्ट फूड में छुपे बदमाश, म्यूटेंट वेजशे, कुकी लैड स्टिक, जिगी चिल्ड्रन और बिग मीट कॉर्न, मूंछों वाला चीता। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोच रहा था अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें और सबसे खतरनाक मैंडरिन। मैंडरिन सबसे पहला सुपर रोबोट मंकी था। वो सबसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर था। वो हमारा लीडर था। हमारा काम था शुगर जूम शहर की रक्षा करना, और वो खुद को इस काम से ऊपर समझता था। वो राज करना चाहता था, पर हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे। मंकी हो जिसका दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे डरता नहीं। मैं तुम्हें डराना नहीं बल्कि खत्म करना चाहता हूँ। मंकी माइंड स्क्रीन। मैंडरिन, ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। कितने दिनों से इस मौके का इंतजार था। मैं इस मंकी टीम का पूरी तरह से सफाया कर दूंगा। हमने लेवल वन और लेवल टू के हमले तो देख लिए, लेकिन उससे भी बुरा अभी बाकी है। लेवल थ्री का हमला ऐसा होगा कि हम खुद वैसे ही भयानक जीव बन जाएंगे। मंकी टीम कहाँ गए वो? वो क्या था? गिब्सन? दो चीरो? मैं असली चीरो हूँ। वो मेरा क्लोन है मंकी टीम। नहीं, क्लोन तो वो है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन असली चीरो कौन है? मैं हूँ। ये नकली चीरो है जो तुम्हें खत्म कर देना चाहता है। सुनो मंकी टीम, सुपर रोबोट पर एक नई मुसीबत आ पड़ी है। ये रही वो। दोस्तों, ये मैं हूँ। मैं इसमें फंस गया हूँ। ये क्या है मास्टर चीरो? वो टेक्रॉइड A89 है। खत्म कर दो उसे। नहीं नहीं, ये मैं हूँ चीरो। यहाँ देखो, मुझ में है वो वायरस। अब मुझे अपना काम पूरा करना होगा, शुगर जूम शहर को बर्बाद करने का। वन, लेवल टू और लेवल थ्री के हमले अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो फिर क्या सबसे बड़े खतरे के बारे में अभी तक कोई जानता ही नहीं? और वो खतरा है स्केलेटन किंग का। लेवल वन, लेवल टू और थ्री के हमले हो रहे हैं शैतानों के बादशाह स्केलेटन किंग की ओर से। दुश्मन को हराने के लिए उसे जान लेना बहुत जरूरी है। आइए उसके मायावी दुनिया को देखते हैं। स्केलेटन किंग हड्डी से बने एक बहुत बड़े स्पेसशिप में रहता है, और ये दुष्ट ताकत उसे इसी मायावी दुनिया से मिलती है। हड्डी के इस किले में विनाश करने की जबरदस्त शक्ति है। इसके अंदर ऐसी डरावनी ताकतें हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। स्केलेटन
स्केलेटन किंग अपनी सेना को इसी डरावने स्पेसक्राफ्ट में रखता है और यहीं पर उसे तैयार भी करता है। स्केलेटन किंग के दुष्ट सैनिक कीचड़ से भरे इस गड्ढे से ही जन्म लेते हैं। इनका कोई रूप नहीं है। ये बड़ी संख्या में हमला करते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते। ये दुष्ट सैनिक केवल अपने मालिक स्केलेटन किंग का ही हुक्म मानते हैं। अस्त्र की कमी भले ही हो पर इनकी जबरदस्त शक्ति का कोई जवाब नहीं। ये भयानक जीव कई तरह के रूप बदल लेते हैं, जैसे कि स्केलेटन किंग का एक और दिल दहला देने वाला शैतानी रूप टीवी मॉन्स्टर। खून कलाओ से ये टीवी मॉन्स्टर स्केलेटन किंग के साथ किसी अनजान शक्ति से जुड़ा हुआ है और ये अपने मालिक का हर हुक्म मानता है। लगता है एक और शिकार हाथ लगा, एक और नया मेहमान। इस शैतान को इंसानी दुनिया से ही नहीं बल्कि अनजानी दुनिया और किन्हीं अनजान शक्तियों से भी इसकी दुष्ट शक्ति को ताकत मिलती रहती है। अब मैं इंसानों की इस दुनिया को बर्बाद करके रख दूंगा। ये किसी को भी बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लेता है। तुम्हें एक मौका मिल चुका है, अब और कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे मत मारो। इस लड़के को खत्म कर दो अभी। मुझे चीरो पसंद है। पर चीरो को तुम पसंद नहीं हो। वो जान गया है कि तुम रोबोट हो। सुनकर बुरा तो लगा होगा पर चिंता मत करो, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। स्केलेटन किंग की ताकत का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सावधान दोस्तों, वो अपनी इस दुष्ट ताकत से भोले भाले लोगों के दिलों में भी दुष्टता भर देता है। मैंने उनका सफाया करने के लिए तुम्हें शक्ति दी थी। शायद अब हमें तुम्हारा हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बेचारा जरा सा बिट्टी। है कोई ऐसी शक्ति जो स्केलेटन किंग को रोक सके? जहां डर होगा वहीं तुम मुझे पाओगे लड़के। अभी तो मैंने इन्हें अपनी शक्ति की छोटी सी झलक दिखाई है। स्केलेटन किंग चाहता है हर तरीके से शुगरजूम शहर को अपनी दुष्ट ताकत से बर्बाद और तबाह करना। और अब ये आत्माएं उन सबको जल्द ही खा जाएंगी। तुम रोबोट के पास जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। तुम्हें जिस काम के लिए बनाया गया है उसे करके दिखाओ। मेरे मालिक, मुझे बताइए क्या करना है। वो तुम्हारे जैसे मंकी के भाई नहीं हो सकते, तुमने उन्हें धोखा दिया। मेरी वफादारी केवल स्केलेटन किंग के लिए है और मेरा एक ही काम है, तुम्हें बर्बाद करना। No!
तुमने मुझे निराश किया है मेंडेरिन, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए मेरे मालिक, मेरा वादा बहुत है। बहुत हो गया मेंडेरिन, बहुत कुछ। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ से हटाया जाता है। स्केलेटन किंग के खतरे से अब शुगाजूम शहर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पर चिंता मत कीजिए दोस्तों, आपके लिए हम हैं सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स। मेरे बाल मेरे बाल मेरे भी ठीक है मंकी टीम, ये आदमी हमसे कैसे छूट गया? तस्वीर देखकर तो लगता है कि इस आदमी के जीन्स दूसरों से बिल्कुल भी अलग हैं। तुम्हारा मतलब है वो सचमुच बहुत ताकतवर है? डाटा रेफरेंस बताता है कि इसका संबंध लेवल वन मॉन्स्टर फ्लाइटर से है जिसे हम पहले हरा चुके हैं। सच कहें तो इसका संबंध उन चारों मॉन्स्टर से है जिनकी मदद से फ्लाइटर को तैयार किया गया था। अजीब है, मुझे याद है फ्लाइटर को सिर्फ 3 मॉन्स्टर से बनाया गया था। मैं पता करता हूँ। ये क्या गिर गया? अरे मुझे ऐसा तो कोई आदमी याद नहीं आ रहा। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि आदमी कौन है। शायद वो पहले अंडे के रूप में था, उसने हाल ही में अपना रूप बदला है। यानी लेवल 1 वाला मॉन्स्टर लेवल 2 मॉन्स्टर बन गया, ये तो काफी खतरनाक है। पता चला है कि उसके अजीबोगरीब जीन्स का रहस्य उसके सिर पर इस जगह छिपा है। चलो उसे तोड़ देते हैं। अच्छा मजाक था। हाँ मजा आ गया। पावर बंद हो गई है तो हमें ये काम दूसरे तरीके से करना होगा। मंकीज तैयार हो जाओ। नोवा संभल कर। Whirling Destructo! Monkey Team, Power Sphere Attack! Go! मुझे देखो, मैं एक चूहे की तरह दिख रहा हूँ। वैसे पहले भी तुम कहाँ अच्छे लगते थे। ओह क्या बात है, अच्छे लग रहे हो। चलो मुसीबत तो खत्म हुई। शायद नहीं। क्या वो दोबारा वापस आएगा? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कहीं स्केलेटन किंग का कोई और मॉन्स्टर हमला न करते। असल में मेरा मतलब था क्या हमारे बाल वापस आएंगे? मेरे दुष्ट सेवक अपने बिल में वापस चले जाओ। चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। शुगाजूम शहर की बर्बादी का इंतजाम शुरू हो चुका है। शुगाजूम शहर के वासियों, हाइपर फोर्स केवल आप ही की मदद से स्केलेटन किंग की दुष्ट ताकत को हरा पाएंगे।